नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों की अब खैर नहीं। नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नल जल योजना में गड़बड़ी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब बिहार सरकार एक्शन के मोड में आ गई है। सरकार की ओर से एक अधिसूचना भी इसको लेकर जारी कर दी गई है, जिसमें वैसे ठेकेदारों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है जिन पर योजना में किसी न किसी प्रकार से गड़बड़ी का आरोप है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में 7 निश्चय पार्ट 1 में नल जल योजना के तहत हर घर जल पहुंचाने का संकल्प लिया था, जिसके तहत सरकार का दावा है कि ज़्यादातर घरों तक इस योजना को पहुंचा दिया गया है। लोग इसकी सुविधा का लाभ भी उठा रहे हैं। अब सरकार इस नल जल योजना के रख रखाव को लेकर पैसे वसूलने पर भी विचार कर रही है, जिसके तहत अब हर महीने 30 रुपये वसूलने पर विचार हो रहे हैं, यानी कि पानी का पैसा अब आने वाले दिनों में आपको देना होगा। इसके साथ ही नीतीश सरकार ने नल जल योजना में काम नहीं करने वाले ठेकेदारों पर शिकंजा कसने की बात कह रही है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 1 के नल जल योजना के तहत हर घर जल पहुँचाने का संकल्प लिया था। इसके लिए पंचायती राज के तहत काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन काम के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले कंपनी और ठेकेदारों ने कई जगह सही से काम नहीं किया है, जिसकी शिकायत बिहार सरकार तक पहुंच गई है। ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार ने अब सभी ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों को चेतावनी देते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। नल जल योजना में मिल रही गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर उन सभी सड़कों की मरम्मत की जाए जिन्हें योजना के द्वारा खोद कर छोड़ दिया गया है। वहीं जहां नल जल पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, वहां तुरंत इसे चालू किया जाए। दरअसल नल जल योजना के तहत काम करने के दौरान सड़कों के गड्ढे खोदकर उसे खुला छोड़ दिया गया है। वहीं अनगिनत पंचायतों में नल जल योजना पूरी तरह से ठप पड़ी है। सरकार ने नल जल योजना को सही तरीके से नहीं करने वालों के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाने और कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सरकार ने इस आदेश के बाद सभी पंचायतों में काम करने वाले ठेकेदारों और एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे इसलिए क्योंकि अधिकांश जगह पर या तो काम अधूरे हैं या फिर पूरी तरह से काम नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर 15 दिनों के अंदर काम पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में लोगों के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकती है। नीतीश सरकार ने नल जल योजना में मिल रही गड़बड़ी को लेकर पहले टोल फ्री नंबर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पाइप लीकेज, जलापूर्ति में बाधा, जल गुणवत्ता में निर्माणाधीन योजनाओं में कार्य गुणवत्ता की समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया था। यह नंबर था 1800123111। सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि नल जल योजना को लेकर अगर आप में कोई शिकायत है या समस्या है तो आप इस नंबर पे डायल करें, ताकि आपको जो है उचित कार्रवाई उसके लिए की जाएगी। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था कि आप SMS के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई उसमें सभी ठेकेदारों को 15 दिनों के अंदर कार्य पूरा करने की बात कही गई है। यह टोल फ्री नंबर का असर है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प है कि ठेकेदार कितने दिनों में अपने अधूरे कार्यों को पूरा करते हैं और सरकार कितने ठेकेदारों पर कार्रवाई करती है। आपको बता दें कि इस साल पंचायत का चुनाव होना है, ऐसे में सरकार का यह निर्णय कई मामलों में अहम माना जा रहा है। बिहार और पंचायत चुनाव के साथ ही नल जल योजना को लेकर और भी ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।